अपना परिचय दे आप। मेरा नाम राजवीर उपाध्याय है, ग्राम राजगना है, सरदाना तहसील। आप बताइए परिचय। मेरा नाम सुखपाल जोगी है, मैं प्रतापपुर इंदिरा ब्रह्म कॉलोनी में रहता हूँ। आप? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम राजगना तहसील सरदाना में रहता हूँ। आप सब अब इस समय प्रतापपुर ब्लॉक में रहते हैं, आज की मीटिंग में आप लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में थोड़ा विचार बताएं। जिम्मेदारी जो है हम सभी को जो है मिलेंगे घर घर जा कर के, और उनको जो है इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करेंगे, और उनके घर घर से जो है जितने भी मेंबर्स हैं, कौन कितनी क्लास में पढ़ता है, कितने उम्र का है, व्यवसाय मुखिया का क्या व्यवसाय है, ये सारा कुछ लिख करके अपने पास रिपोर्ट बना करके रखना है। आप दोनों बुजुर्गों को जनसंख्या जो गणना होनी है वेबसाइट के माध्यम से, उसकी जिम्मेदारी प्रतापपुर ब्लॉक की आप लोगों को दी गई है। सभी युवाओं ने आप लोगों में भरोसा जताया है, आप अपने विचार बताएं। बस हमारा साझा ही आप जो है साझे विचार है। आप सब लोग इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोग बिल्कुल से तैयार हैं, इस समय से सब चीज से तैयार। आपका यह प्रयास समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, आप भी तैयार हैं? आपका नाम क्या है? आप बिल्कुल युवा दिख। सलाम तोमर है जी। जी आप बताए नाम? मेरा नाम उज्जवल जी। जी ठीक है बाबू जी, आप अपनी टीम के साथ में इस कार्य को संपन्न कराए। भाई साहब आप भी बताए, अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम कपिल कुमार है जी, मूल निवासी माखनगर जी, और अभी इंदिरापुर कॉलोनी में रह रहा हूँ जी। मैं समाज के लिए जो भी मुझे कार्य मिलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो जनसंख्या गणना का कार्य है, आप सभी युवाओं में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, बुजुर्गों के साथ में इनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ देना है। मुझे संडे का टाइम मिलता है जी, संडे में मैं बुजुर्गों के साथ, अगर ये मेरा सहयोग मैं तैयार। बहुत आप भी सहयोग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार है, मैं माखनगर का रहने वाला हूँ, शिवलोक कॉलोनी बक्सर में रहता हूँ जी। मैं योगी रविंद्र कुमार, बहुत अच्छा लगा हम यहाँ पे प्रतापपुर में अपने आप को प्रदेशी समझते थे, और आज यहाँ पर अपना समाज देखकर बहुत अच्छा लगा, और समाज में होने के साथ आज ये भी अच्छा लगा कि जैसे हमारा अपना परिवार और कुटुंब यहीं पर ही है। पिछले 2 साल से जो हम यह सोचते थे कि हम प्रदेश में रह रहे हैं, आज वो पूरा परिवार हमें मिल गया है, हमें हमारे बुजुर्ग मिल गए, हमें हमारे बड़े भाई छोटे भाई पूरा परिवार हमें मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे किसी भी कॉलोनी में या किसी भी एरिया में हमारे समाज कहाँ कैसे रह रहा है, इस तरह की पहल होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे के साथ सुख और दुख में साथ खड़े हों। मैं भी 2 शब्द कहना चाहूँगा, हमें लगभग 2 साल यहाँ पे रहते हो गया था, लगता था कि हमारा यहाँ कोई समाज नहीं है, लेकिन आज आप लोगों से मिले लगा कि आज हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा शादी ब्याह के कार्ड हमें भी दे दिया करें, हम आप लोगों के दुख सुख में शामिल हो जाया करेंगे, और साप्ताहिक या कोई 15 दिन में या महमासी कोई आपकी मीटिंग होती है तो हमें भी आप भी याद करें, हम भी आप लोगों के परिवार का हिस्सा है, हमें भी अपनापन लगा आज आके, और भविष्य में सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं योगी राजेंद्र।